क्या हाल चाल आप सबके। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बादल अरोड़ा ब्लॉग्स पे और एक नए ब्लॉग में। तो आज मैं आप सभी को लेके आया हूँ ग्रीन प्लैनेट में, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मैन मेड जंगल और पूरा का पूरा नकली, बट वहाँ पर झरने, पानी, जानवर असली होने वाले हैं। मैं आया हूँ मेट्रो से, बस लेके नहीं आया, आधे रास्ते मेरे भाई ने मुझे छोड़ दिया था मेट्रो स्टेशन पे। और यहाँ पे जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है वो दुबई मॉल / बुर्ज खलीफा। वहाँ पे आके जब मैं उतरा, मैंने एग्जिट लिया, दुबई मॉल वाली तरफ नहीं लेना है एग्जिट, दूसरी तरफ लेना है। वहाँ से आपको एक गोल सी बिल्डिंग दिखेगी ब्राउन से कलर की, उसके अपोजिट साइड में, मतलब कि उसके बैक साइड में थोड़ा सा आप पैदल चल सकें तो पैदल चल के आ सकते हैं, अदरवाइज आप वहाँ से कैब ले सकते हैं, वहाँ से आप कैब में आ जाएंगे। तो मैं तो पैदल चल के आया हूँ, ठीक है, सीधी बात है। और आप लोग कैब करना चाहे तो कैब कर सकते हैं, पैदल आना चाहे तो पैदल आ सकते हैं। वहाँ से पैदल चल के आप पहुँच जाएंगे ग्रीन प्लैनेट, बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा दूर से ही ग्रीन प्लैनेट का। तो बिना देरी करे हुए मैं लेके चलता हूँ ग्रीन प्लैनेट में और सारी चीज़ें बताऊँगा आपको। रूट तो मैंने आपको शुरू में बता ही दिया, टिकट वगैरह बता दूंगा, टाइमिंग वगैरह बता दूंगा और पूरा का पूरा दिखाऊँगा ग्रीन प्लैनेट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे देखने के लिए। टाइमिंग बहुत कम बची है क्योंकि टाइम अभी जो है 3:30 हो गया और ये बंद होने वाला, टाइमिंग बताऊंगा अंदर जाने के बाद। तो आप भी चलिए मेरे साथ अंदर ग्रीन प्लैनेट देखने के लिए। ये बाहर से कुछ इस तरीके का दिखता है ग्रीन प्लैनेट, ये देखिए। इस बिल्डिंग के अंदर आप जाएंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कहीं जंगल में घूम रहे हैं, क्योंकि ये मैन मेड जंगल है, सारा का सारा आर्टिफिशियल जंगल है। तो मैंने अपनी टिकट ऑनलाइन बुक कराई थी, मैं इनको भी टिकट दिखाऊंगा तो मुझे यहाँ से एक बैंड मिलेगा। ये देखिए मैं इनको टिकट दिखाता हूँ। मैम दिस इज माई टिकट। ये मैंने उनको अपना फ़ोन दिया, वो स्कैन करेंगे वहाँ से, उन्होंने स्कैन किया, साथ में वो मुझे एक बैंड दे देंगे, उसको स्कैन करने के बाद मेरे को अंदर एंट्री मिल जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके का स्कैन कोड मिला और मैंने इसको स्कैन किया और अंदर एंट्री मिल गई। अब चलते हैं अंदर की तरफ ग्रीन प्लैनेट में। तो अभी एंट्री ली इस गेट से और अब जा रहे हैं ग्रीन प्लैनेट के अंदर। आते ही बड़ी सी तितली देखने को मिली और टिड्डा देखने को मिला। टिड्डा तो आप सब जानते होंगे, ग्रास होपर। अभी मेरे पीछे दिखाता हूँ, एक बड़ी सी मकड़ी है और बिच्छू है। अभी एंट्री लेके अंदर आ गया मैं और यहीं पे कैफेटेरिया बना हुआ है, यहाँ पे आप कुछ भी ऑर्डर करके खा पी सकते हैं, बढ़िया जगह है। और वॉशरूम भी यहीं बना हुआ है, अंदर एक शॉप भी बनी हुई है जहाँ पे आप टॉयज परचेज कर सकते हैं। जिधर से रेन फॉरेस्ट की एंट्री है वहाँ पे एक थीम बेस्ड कैफे बना हुआ है, जंगल थीम बेस्ड, और बहुत ही हरा भरा कैफे है। ये देखिए यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, बहुत अच्छा पंखा लगा हुआ है और उधर से आप कुछ भी खाने पीने के लिए ले सकते हैं, कॉफ़ी वगैरह बैठ के अपना आराम से खा पी सकते हैं, फिर उसके बाद जा सकते हैं या फिर आके खा सकते हैं। तो अभी बिना देरी किए मैं आपको लेके जाने वाला हूँ रेन फॉरेस्ट में अंदर आपको, और फिर दिखाता हूँ आपको सारी की सारी स्पीशीज। और बैंड ना कुछ इस तरीके से बांध दिया इन्होंने हाथ पे, इसी से वो स्कैन कर लेते हैं और फिर एंट्री दे देते हैं। चलते हैं अंदर। अभी एंट्री मिल गई है और उन्होंने बताया कि छूना अलाउड नहीं है, केवल आप देख सकते हैं, फोटो ले सकते हैं और साथ ही एक बात और बताई, खाना और पीना अलाउड नहीं है अंदर की तरफ। भाई ये सब चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई हैं शायद, और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही हैं, बहुत सुंदर, ऐसे लग रहा है सही में कहीं जंगल में मैं आ गया हूँ, डरावना सा जंगल है। अभी मैं हूँ ग्राउंड फ्लोर पे और यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं, आर्चर फिश, बैंडेड आर्चर फिश और डायमंड बैक, टेरेपिन,
मतलब टर्टल हो गया, वो एक तरीके से कैट फिश, तो ये हर तरीके की फिश आपको इधर मिल जाएगी। एक बार मैं व्यू देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। मुझे पर्सनली एक टर्टल बहुत अच्छा लगा, छोटा सा कछुआ, ये देखिए ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, मुझे बहुत प्यारा लगा। ये फिशेज भी अच्छी हैं, फिश भी बढ़िया है मछली, बट ये वाला जो कछुआ है ना, डायमंड बैक वाला, मुझे बहुत प्यारा लगा ये, बहुत प्यारा। ग्राउंड फ्लोर पे आपको देखने को मिलेगा कछुआ, मछलियाँ, छोटा सा एक्वेरियम है वहाँ पे दीवार पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और अभी जाते हैं ऊपर वाले लेवल पे, फिर देखते हैं कि वहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है। और अभी आपको स्लॉथ से मिलवाता हूँ, जो दिन में 15 से 20 घंटे सोता है। देखिए यहीं पे बैठा हुआ है, मेरे सामने सो रहा है, और उसके पास एक छोटी सी चिड़िया भी बैठी हुई है, आके दिखाता हूँ। तो वो जो अभी जानवर दिखाया था उसका नाम है स्लॉथ, और वो 15 से 20 घंटे एक दिन में सोता है। और यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज डू नॉट टच द बर्ड, चिड़ियाओं को छूना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो आपके आसपास आके बैठ जाती है। अभी मेरे पास भी एक ब्लू कलर की बर्ड आके बैठ गई थी और बहुत प्यारी। पेड़ दिखा तो बहुत बड़ा विशाल का पेड़ है यहाँ पे, और बड़े बड़े नेस्ट लगाए हुए हैं इन्होंने यहाँ पे बर्ड आगे। ये अभी देखने को मिला एक, ये देखिए ये ब्लू वाला पक्षी हमारे पास वहाँ पे बैठा था पहले, ये अब यहाँ पे आ गया। बहुत प्यारा है ये तो, बहुत ही प्यारा है, दिख रहा है, ये दिखाता हूँ एक बार, ये देखो। ये देखो कैसे मेरी मेरे इस पे आके बैठ गया, ये देखो। ओए ये ब्लैक कलर का पैरट है और ये फ्रूट खा रहा है, और ये अभी देख के मैं हमारे पास आ गया। ये देखिए ये अभी मेरे कितने पास आके बैठ गया, हेलो। ये देखो ये फ्रूट खा रहा है, इसकी चोंच में फ्रूट भरे हुए हैं, और ये थोड़ा थोड़ा निकाल के खा लेता है, हेलो। इसको क्या पता लग रहा है क्या हेलो है, बट भाई ये समझदार है बहुत, और ये पास में आ जाते हैं, इनको भी पता है कि हम लोग इनको देखने के लिए आए हैं। मूरी एनिमल, इसका नाम है लीमर। ये देखिए कितना प्यारा है, खुजली कर रहा है अपनी पूंछ से, बहुत प्यारा है ये। तो ये देखिए मैं इसके कितने पास आ गया, और इसके दांत बड़े ना तेज हैं, काट भी सकता है ये। ये देखिए ये सर इसके पास आके खड़े हो गए, बहुत ही प्यारा है। और अभी ये मेन लेवल है, मेन लेवल से हम ऐसे नीचे नीचे जाएंगे, और फिर और देखते हैं क्या क्या हमें देखने के लिए मिलता है। बट ये जगह बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी और बहुत अच्छी जगह है, मजा आ गया मतलब। और इस ग्रीन प्लैनेट में ना चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं ताकि ये पक्षी उड़ ना जाएं। वो ऊपर देखो एक पक्षी बैठा हुआ है, वहां पे दिखाता हूँ एक बार जूम करके, और पूरा का पूरा ये मैन मेड है। अभी मैं सेकंड लेवल पे आ गया, मेन लेवल से नीचे वाले लेवल पे, एक पक्षी मेरी तरफ मेरे पीछे बैठा है, वो देखो सो रहा है, और वो पीछे एक देखो, वो देख रहे हो वो कैसे चढ़ रहा है पेड़ पे, जानवर दिखाता हूँ अभी। इस वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के लीजर्ड, फ्रॉग्स, मतलब कि छिपकलियाँ, और वो रंग बदलने वाली छिपकली जिसको करकेटा बोलते हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार मैं आपको क्लोजअप में दिखा देता हूँ।
सभी के नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, ऑरेंज लेग लीफ फ्रॉग, अमेजन मिल्क फ्रॉग, ये देखिए सबके नाम लिखे हुए हैं। और ये देखो ये किसी फॉरेस्ट की मकड़ी है, अब इसका नाम चेक करके आपको बताता हूँ। इस वाले सेक्शन में आपको यही देखने के लिए मिलेंगी। और ये अंदर कुछ बैठा है, वाओ। ये देखिए आर्टिफिशियल रेन हो रही है यहाँ से, साइडों से, इसलिए इसको बोला जाता है रेन फॉरेस्ट। ये बीच में फॉरेस्ट हुआ और ऊपर से हो रही है रेन, बहुत ही शानदार बनाया हुआ है। ये देखिए तो अजीब अजीब से बंदर हैं यहाँ पे छोटे छोटे, इस जाली के अंदर वो जा रहे हैं एक दूसरे को। ये इधर देखिए यहाँ पे कितने छोटे छोटे अजीब से बंदर देखने के लिए मिले हैं। शीशे में तो आपको अलग अलग जानवर देखने के लिए मिलते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पर आके। तो अभी मैं लेवल 2 पे खड़ा हूँ, मेन लेवल से नीचे वाले लेवल पे। और यहाँ पे जो सामने ग्लास है, यहाँ पे छोटे छोटे इतने इतने से मंकी हैं अजीब से काले रंग के, और यहीं पे सामने वाटरफॉल है। और अभी मैं जा रहा हूँ इधर सेकंड वाले लेवल पे, एक्सप्लोर करता हूँ, देखता हूँ। यहाँ पे घूमने में बहुत मजा आ रहा है। एक छोटा सा, एक बड़ा सा ना मोर दिखा है मुझे दूसरी कंट्री का, वो देखते हैं कौन सा पक्षी है, मोर जैसा है वो, इसलिए मैंने मोर बोल दिया। और आपको वो दिखाता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे स्नेल देखने के लिए मिली है, दो स्नेल है इसमें। ये देखो तो जब आप यहाँ पे घूमोगे ना सारे में ग्रीन प्लैनेट में, तो आपको ना यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि भाई देख लिया आप ऐसे गोल गोल घूम जाओ और आपको लगे कि भाई मैंने सब कुछ देख लिया। नहीं, ये जो साथ में शीशे लगे हुए हैं और रेलिंग जो लगी हुई है, इसके बराबर में जो पेड़ लगे हुए हैं ना, वहां पर भी आप झांक झांक के आपको देखने पड़ेगा, क्योंकि पेड़ों में पक्षी बैठे होंगे और यहाँ साइडों में ऐसे छोटे छोटे मंकी बैठे होंगे, जिसको आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा, जो हम लोग नहीं देखते आम जिंदगी में। भाई यहाँ पे आए हो तो अच्छे से देखोगे, तभी तो मजा आएगा ना। देखो एक बार आपको पूरा शॉट दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ झांक झांक के कोनों में क्या क्या देखा। ये देखो इस तरीके से हम यहाँ पे स्नेक को टच कर सकते हैं, बाकी किसी चीज को टच करना अलाउड नहीं है। और ये पाइथन है ना? पाइथन है, नॉन वेनमस। अच्छा, पाइथन है और जहरीला नहीं है बिल्कुल भी। They still have got teeth, they can still bite. That's why we don't touch the hair. Okay, ये इसके दांत हैं अभी, ये जहरीला नहीं है, इसलिए इसका हेड टच नहीं करना है, क्योंकि ये काट अभी भी सकता है। और यहाँ पे है बम्बल भी, पर देखने को नहीं मिल रही, कहाँ गई। भाई ये देखो आप, ग्रीन कलर का सांप, ये तो केवल नेशनल ज्योग्राफिक पे ही देखा है मैंने, तो बाहर नहीं देखा ये कहीं पे। एक बार दोबारा से यहाँ पर सांप देखने के लिए मिल गए, लंबे लंबे बड़े बड़े, बढ़िया जगह है, एक नंबर जगह है, मस्ट रिकमेंडेड है।
ग्रीन प्लैनेट बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। और मैंने टिकट ली थी 140 दिरहम की, जो कि इंडिया के 2800 से ऊपर बैठ जाते हैं। और अगर आप ऑनलाइन लेते, शायद 150 दिरहम की ली थी, और अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक कराते तो मुझे यहाँ पे किसी ने बताया कि ऑनलाइन टिकट सस्ती पड़ती है और काउंटर से टिकट थोड़ी सी महंगी पड़ती है। तो आप जब भी आए ना तो आप जो है ऑनलाइन बुक करा के आइएगा। एक तो आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और टिकट आपके पास होगी, टाइमिंग से आके आप एंट्री लेके ग्रीन प्लैनेट को देख सकते हैं। मुझे बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर घूम के। अगर आप दुबई में हैं या फिर दुबई का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ग्रीन प्लैनेट को भी अपनी लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। आज तो मैं सुबह से घूम रहा हूँ, पहले घर के काम से गया था भाई के साथ और फिर उसने मुझे मेट्रो पे छोड़ा, तो वहां से मैं आया ग्रीन प्लैनेट। और अभी मेरे को कम से कम एक घंटा हो चुका है मैं अंदर ही अंदर घूम रहा हूँ। मतलब मैं पहले लेवल से दूसरे लेवल पे आया हूँ एक घंटे में। तो मैं तो पूरे 6 बजे निकलने वाला हूँ यहाँ से, क्योंकि ग्रीन प्लैनेट शाम के 6 बजे तक खुला होता है। अब मैंने आपको टाइमिंग भी बता दिया है, रूट मैं पहले बता चुका था कैसे कैसे आना है, और एक चीज और बताने वाला हूँ, वो बताऊंगा एंड में। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा कि आप ग्रीन प्लैनेट आए हैं या नहीं आए। तो अभी पूरा ग्रीन प्लैनेट घूम लेते हैं। अभी जब मैं थर्ड लेवल पे आया तो मेरे को फ्लाइंग फॉक्सेस दिखी, बड़ी बड़ी यहाँ पर वो है चमगादड़, दिखाता हूँ आपको एक बार पूरा। अभी दिखाता हूँ 6 बैंडेड आर्माडिलो। ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं ना, ये कार्निवोरस प्लांट हैं। अगर आप इनको टच करेंगे तो ये आपके हाथ को खा जाएंगे। ये रेड वाला जो है पिचर प्लांट है, और ये जो है वीनस प्लांट है वो सामने, ठीक है। और संडियो प्लांट भी अभी मैंने देखा था यहाँ पे, वो जहर फेंकता है। ये देखिए, ये रहा, ये वीनस फ्लाई प्लांट है। अगर आप इस पर टच करेंगे तो ये आपका हाथ बंद कर देगा और आपको कांटे चुभ जाएंगे। और इन्हीं कार्निवोरस प्लांट के बराबर में रास्ता जाता है, जिसके थ्रू आप जा सकते हैं बेसमेंट में और लास्ट वाला लेवल एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं ऊपर सारा बहुत सारा घूम चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ बेसमेंट में, देखते हैं यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है। और जितने भी क्रीचर्स थी बहुत सारे अमेजिंग थे, मज़ेदार थे भाई, देख के मज़ा आ गया, आज का दिन बन गया। और यहाँ पर आप उनके सॉफ्ट टॉयज भी ले सकते हैं जिनको आपने ऊपर देखा है, और ये सारे सॉफ्ट टॉयज आपको सबसे नीचे वाले लेवल पे मिलने वाले हैं। यहीं पे गिफ्ट शॉप है, यहीं पे आप जा सकते हैं, यहीं पे आप आकर ले सकते हैं। बेसमेंट में जाके आप नाइट क्रिएचर्स देख सकते हैं, रात वाले एनिमल्स। तो अभी हम जा रहे हैं बेसमेंट में और आपको दिखाते हैं सारे रात वाले जानवर। ये हम आ गए अंदर और यहाँ से एंट्री है इसकी, इसको पुल करना पड़ेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, बड़ा ही डरावना सा है, भयानक सा, दिख तो कुछ नहीं रहा। यहाँ पे सांप दिखा है बहुत बड़ा और डर लग रहा है भाई, यहाँ पे डरावना सा बनाया हुआ है। तो अभी द ग्रीन प्लैनेट दुबई से बाहर निकल के आया, अंदर घूमा, मैन मेड जंगल पूरा का पूरा एकदम आलीशान बना हुआ है, बहुत मज़ेदार बना हुआ है। पर आज मैं थक गया क्योंकि दिन में भी किसी काम से गया था और शाम को आप सभी के साथ ये घूमने आ गया। तो इसका टाइमिंग अब बता देता हूँ लास्ट में, सुबह 10 बजे से 6 बजे तक शाम के ये चलता है। और टिकट ऑनलाइन बुक कराइएगा, ऑनलाइन कराएंगे तो ऐसा बोला था वहाँ पर किसी ने कि सस्ती बुक होती है। ये पड़ता है सिटी वॉक एरिया में और दुबई मेट्रो और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है दुबई मॉल बुर्ज खलीफा, ठीक है। बुर्ज खलीफा वाली तरफ नहीं जाना है उतर के,
इधर वाली तरफ आना है दूसरी तरफ, और सामने ही एक बिल्डिंग है उसको क्रॉस करके सीधी सीधी रोड आती है। वॉकिंग पे ही है द ग्रीन प्लैनेट, या फिर आप टैक्सी करके भी आ सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ग्रीन प्लैनेट देखा है या नहीं देखा, और अगर देखा है तो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जहाँ आप नेक्स्ट जगह जाऊँगा घूमने तो उस वीडियो में आपको मिलता हूँ। तब तक के लिए सभी को नमस्ते।